बाद द फॉर्मल चार्ज एंड देन डायपोल मोमेंट लास्ट टॉपिक है, ठीक है हमारा, ठीक है। देन इसके बाद ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और पी वाई क्यूज मैंने ऑलरेडी आप अपलोड कर दी है, ठीक है, तो देख लीजिएगा उनको। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हर्षितिका बताओगे मुझे व्हाट डू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? मैम, मिक्सिंग टू एटॉमिक और वाइटल। अच्छा ठीक है, तो फिर कैसे मिक्सिंग होती है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल की, क्या कॉम्बिनेशन, दो रूल क्या होते हैं बताओगे जरा, कैसे कंबाइन करते हैं हम? बोलिए। कंबाइन कॉम्बिनेशन के रूल बताएगा कोई मुझे, कि जब हम ऑर्बिटल को कंबाइन करते थे सेम एनर्जी पे करते थे, है ना, एंड उनकी सेम क्या होती थी मेरी, एक्सियल, राइट, पढ़ा था ना आपने एमओडी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये पढ़ा था ना, कभी कब ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी जो लाइक हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, मैं बोलू जो हमारी, चलो शॉर्ट क्लिक कराई देते हैं, बता देना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैम दिखाई दे रहा है सबको? चलो यस मैम ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल। ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है एक तरीके से ज्योमेट्री प्रोवाइड करती है और शेप प्रोवाइड करती है ना, ऑर्बिटल को जब हम कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स को कंपाउंड बनाते हैं, तो उस कंपाउंड की क्या है, ज्योमेट्री देता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, और क्या देता है, शेप देता था, ठीक है। अब यह है कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते कहते हैं, उसका ट्रिक है, हमारे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि जो भी हमारा क्या होता है सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। अब पहले इस पे जाने से पहले ये बताओ कि सेंट्रल एटम को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं कि हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने के कुछ क्या होते हैं, गोल्डन रूल होते हैं, ठीक है। पहला जो रूल होता है वो सेंट्रल एटम का ये होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है ना वो लीस्ट इन नंबर होता है, क्या होता है, लीस्ट इन नंबर होता है, या फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसका लीस्ट क्या होगा, लीस्ट एटॉमिक, ना सॉरी, लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, ठीक है, लीस्ट नंबर में होगा, जैसे मेरा CH4 है, ठीक है। अब कार्बन क्या है, एक है, हाइड्रोजन क्या है, चार है, तो लीस्ट नंबर में, तो कार्बन मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट क्या है, एटॉमिक नंबर है, हाँ कार्बन का क्या है, लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंट्रल एटम को। सेकेंड सेकेंड क्या चीज होती है, जो हमारे हाइड्रोजन और फ्लोरीन होते हैं ना वो कभी भी क्या होंगे, कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या होंगे, कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो। तीसरा रोल क्या है कि जो मेरा सेंट्रल एटम है ना उसका जो ऑक्टेट होगा वो ऑलवेज कंप्लीट होगा, ठीक है, ऑलवेज कंप्लीट इन ऑक्टेट, ठीक है। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ जो उसके सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 होंगे या फिर उससे ज्यादा होंगे, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उसकी कोवेलेंसी क्या होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी। अब कोवेलेंसी मैंने बताया था क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कोवेलेंसी, व्हाट डू मीन बाय कोवेलेंसी, कौन बताएगा जरा बताइए, कोवेलेंसी क्या होती है, मैम, जो उसमें वैलेंस शेल्स होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। मीन्स इसमें क्या होते हैं, जैसे हमारी ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या होती है, टू, है ना, टू। फॉस्फोरस की होती है 5, नाइट्रोजन की होती है 4, ठीक है, ये होते हैं मेरे कोवेलेंसी, ठीक है, कोवेलेंसी, ठीक है। कार्बन की जैसे 4 क्या है, कार्बन से मेरे चार आउटर मोस्ट में चार ही तो होते हैं, ठीक है, तो ये होती है मेरी कोवेलेंसी। अब ये मेरे रूल है सेलेक्ट करने के लिए सेंट्रल एटम को, ठीक है। अब ये तो बता दिया मैम ने, अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो क्या निकालते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम से क्या है,
जितने भी क्या है, जितने भी एटम्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, जितने भी एटम कनेक्टेड हैं, प्लस लोन पेयर, जितने भी क्या है लोन पेयर है, उससे क्या निकलती है मेरी हाइब्रिडाइजेशन की, नंबर निकलते हैं। अब नंबर से कैसे, कि अगर हमारा आ जाए कि इन हाइब्रिडाइजेशन से आ जाए नंबर टू, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उसकी, sp की, एक s p एक वन, तो दो ऑर्बिटल हो गए। अगर तीन हो तो तीन ऑर्बिटल होंगे, sp2, s रिमेन से दो एक तीन, चार है तो sp3, तीन और एक चार, पांच है तो sp3d, छह है तो sp3d2, तीन और दो पांच और एक छह, सात है तो sp3d3। ये क्या है मेरी, ये मेरी क्या है, एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के है इन ऑर्बिटल्स पर, ठीक है। अगर जैसे मैं क्या बोलूं, एग्जांपल बोलूं आप लोगों को, कि मैंने बोला कि CH4, तो ये बात बताओ कि CH4 में कितना नंबर बनेगा, पहले काउंट करो नंबर। कार्बन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हर्षितिका, फोर वैलेंस शेल्स होते हैं कार्बन में। वेरी गुड, फोर होते हैं तो कार्बन है भैया, चलो चार हैं, इन चारों से मेरे हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड हो जाएंगे ना, ठीक है। यस मैम। अब मैंने बोला कि आउटर मोस्ट में चार होते हैं, चार ही इससे कनेक्टेड है जीरो, तो मैंने क्या, हम कैसे नंबर निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम, चार कनेक्टेड प्लस लोन पेयर। अब चार थे, चार ही कनेक्टेड, तो लोन पेयर तो बचे ही नहीं। लोन पेयर अगर हमारा हाइड्रोजन टू था, लाइक CH2 होता, तो हमारा क्या होता, सी से दो तो कनेक्ट हो जाते, एक लोन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है ना, है ना, तो एक लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या है, सारे कनेक्टेड है, देयर इज नो लोन पेयर, तो जीरो, फोर प्लस जीरो फोर, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3, तीन और एक चार, है ना। अच्छा NH3 का बताइए क्या होगा, NH3 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं भुवनेश्वरी, मैम फाइव ठीक है, वेरी गुड। अब सिंपल आपको, अब क्या है, इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है नाइट्रोजन की है आउटर मोस्ट में फाइव है, तीन इलेक्ट्रॉन क्या है, अब कनेक्टेड है, पहले कनेक्टेड वाले लिख दो, तीन कनेक्टेड है, पांच में से तीन गए, दो इलेक्ट्रॉन और बच गए, अब दो का एक लोन पेयर बनता है, तो 3 + 1 = 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ गई, sp3, है ना। अच्छा चलो H2O का बताओ आप, इसमें इसकी भी एसपी होगी। क्यों, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में सिक्स होते हैं, है ना। अब सिक्स के मान लो दो तो कनेक्टेड है, सिक्स में से दो दो है, अब आप जानते हैं दो बन गए तो चार रह गए, चार है तो कितने लोन पेयर बन गए, दो लोन पेयर, तो 2 + 2 = 4, 4 है तो मेरा sp3, है ना। ओके चलिए बताइए, IF7 आयोडीन है, फ्लोरीन 7, तो क्या होगा हर्षितिका, IF7 SP3D3 होगी sp3d3 होगी, कैसे होगा, टोटल मैम। क्यों आयोडीन, हाँ टोटल आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यूज कर लिए हैं तो 7 ही आएगा, जीरो लोन पेयर, तो 7 7 है तो sp3d3, ठीक है। ऐसे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही थी इसकी, ठीक है। अच्छा XeO3 का क्या होगा, XeO3 क्या बताइए, XeO3 बोलो बोलो,
क्या हुआ? एम एस में SP2 होगी, कैसे, क्या बोल रहे हो? अच्छा SP2 हो। चलो देखते हैं, ठीक है। अब मेरा जिनोन है, जिनोन क्या है आप जानते हो, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते ही तो पता है। अब O3 है, अब आप लोगों को ये भी पता है कि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ये लो O3 हो गया। एक क्या बच गया, लोन पेयर बच गया, तो इसकी क्या हो जाएगी, 3 + 1 तो क्या हो गया, 4, तो SP3, ठीक है, SP3, ऐसे ही था, है यस ना। मैम। चलो ये तो बात कर ली, अगर सिंपल एटम हो, अगर मेरे पास किसी पे चार्ज हो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे मेरा क्या है, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव है, तो अगेन इसमें क्या है, सेंट्रल एटम मेरा सल्फर है। अब सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब दो और इसको मिल गए तो टोटल कितने हो गए, 8। अब 8 है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 4 2 8, तो 8 - 8 0, तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 ही ऑक्यूपाइड हो गए, तो और लगे कितने, 4 एटम थे, तब ने दो दो बॉन्ड बनाया, तो 4 कनेक्टेड है, 0 लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, SP3। जैसे मेरा NH4 पॉजिटिव, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताइए, NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितने बचे, 4, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 ही हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, 4 + 0 दैट इज 4 SP3, है ना। अच्छा मैं बोलू NH3 नेगेटिव, अब बताना जरा क्या होगा, इसका क्या होगा, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, है ना, 5 होते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो क्या हो गए, 6, 3 कनेक्टेड हैं, 3 इसने क्या कर दिए, 3 बचे, अब इन 3 का क्या होगा, क्या होगा, लोन पेयर ही तो काउंट करते हैं हम, तो लोन पेयर क्या होगा, 2 + 1, एक लोन पेयर है, तो हमारी SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी क्या होगी, SP3। अच्छा बताइए H3O पॉजिटिव, इसकी क्या होगी, H3O पॉजिटिव बताइए, बोलो। ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, 5 बचे, 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 बचे, 2 का 1 लोन पेयर बन गया, 3 कनेक्टेड है, 1 लोन पेयर है, 4, तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SP3। पहले ये बताओ कि यहाँ तक चीजें समझ आई, कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाँ कि ना, यस मैम। समझ आया, पहले ये बताइए। यस मैम। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, जब हम क्वेश्चन, जैसे अभी बोला कि मेरे पास है SO4 2 नेगेटिव, कि क्या है SO4 2 नेगेटिव, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई, जो यू दो 2 नेगेटिव है, ये 2 नेगेटिव है, लगेंगे किस पे, ये जो माइनस चार्ज आए हैं ये किस पर लगेंगे, बता सकते हो बिना सॉल्व करे, भाई आप बता सकते हो। बोलिए देखो, मैंने बोला कि जो क्या होता है मेरा फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज होता क्या है,
जब हम एटम, कोई भी एटम होता है, पॉली एटम, एक मॉलिक्यूल और आयन क्या होता है, उसमें हम डिफरेंस निकालते हैं किसके, बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो असाइन करे हैं, ठीक है, इन लुईस स्ट्रक्चर में. फॉर एग्जाम्पल, इसका हमारे एक फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का, कि टोटल नंबर ऑफ, उस सेंट्रल एटम के पहले कंटेन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, ओके, माइनस में अब जितने हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक, माइनस में हाफ ऑफ जितने नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, मीन्स जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन ओवर द हमारे पूरे कंपाउंड में हमारे जो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है. कहने का मतलब है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस में लोन पेयर, जितने भी टोटल लोन पेयर बन रहे हैं उस कंपाउंड में, माइनस में हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. ये है मेरे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला. ये तो भैया हुई फॉर्मल चार्ज की बात, कि हमें बताना होता है कि किस पे कितना चार्ज होता है. अब मैंने बोला कि मेरे पास ट्रिक है, अभी ऐसा है कहीं जेई में तुम लोग निकालने बैठोगे, तुम लोगों को क्या होता है कि एक एक सेकंड की बड़ी कीमत होती है नीट में, है ना. अब भाई कीमत होती है तो हम क्या करें, हम तो अपने टाइम यूटिलाइज करें. तो हम, मैं एक लोगों को ट्रिक बताती हूँ कि जो मेरा पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वो हमेशा मेरे सेंट्रल एटम के ऊपर होता है, ठीक है. जो मेरा सेंट्रल एटम होता है वो हमेशा क्या करता है, वो देता है, वो डोनर होता है, ठीक है. और जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो साइड वाले एटम होते हैं ना सेंट्रल एटम के साइड में, बोल दो कि साइड एटम, वो हमारा नेगेटिव चार्ज को लेते हैं, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं. ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और साइड वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है. इसीलिए जब भी चार्ज, वैसे मैंने बोला कि SO4 2 नेगेटिव, तो आप लोग ना, अब क्या है, मैंने क्या बोला कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा और जो नेगेटिव चार्ज आएंगे वो मेरे साइड वाले एटम पे जाएंगे, ठीक है. अब मैंने बोला कि SO4 2 नेगेटिव, अब सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर में, होते हैं कि नहीं होते, 1 2 3 4 5 6, O4 है, तो मैंने ऑक्सीजन एक इसके साथ बना दिया, एक, ये तो डबल बॉन्ड हो गए. अब O4 है तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है. तो अब मेरा 2 नेगेटिव है, भैया इनका तो पहले ही टर्म ही फुल है, इनका तो क्या है, पहले ही मेरा टर्म ही फुल है, तो इनको तो ये चार्ज देंगे नहीं, इनको तो इलेक्ट्रॉन दिए नहीं जाएंगे, है ना. इलेक्ट्रॉन किसके दिए जाएंगे, जिनके ऊपर क्या है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, जिनको क्या है, अपना ऑक्टेट अभी पूरा करना है ना. ये क्या है, 2 4 6, 2 4 6, ठीक है, ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड तो बना रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या कर देंगे, इनको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन दे गए तो जो नेगेटिव चार्ज है इन पर लग जाएगा. तो जो मैंने बात बोली वही तो था कि सेंट्रल एटम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव साइड के एटम पे होता है, जिनको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों को चाहिए ना, इन्होंने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इन्हीं को तो चाहिए था तो कर लिया. अब देखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला निकाल के देख लो, अब फॉर्मल चार्ज देखो कि आता है कि नहीं आता, ठीक है. अब सल्फर पे फॉर्मल चार्ज निकालना, सल्फर के आउटर मोस्ट वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 6 होते हैं, है ना. माइनस में अनपेयर्ड, कोई अनपेयर्ड है नहीं भैया, सब बॉन्ड बना रहे हैं तो 0 अनपेयर्ड. माइनस में हाफ ऑफ शेयर्ड, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 6 तो खुद के थे और 6 दूसरों से और ले लिए, तो टोटल कितने हो गए, 12, तो 2 6 12, 6 6 0, तो देखो 0, कोई चार्ज है सल्फर पे, कोई नहीं है, ठीक है ना. समझ आया, पहले ये बात बताओ, यहाँ पर समझ आई चीजें, ठीक है, पहले ये बताओ समझ आया कि नहीं आया. नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगी, बताइए. मैम एक बार रिपीट मुझे समझ नहीं आया, दोनों ने एक साथ बोला, बोलो अब दोबारा. मैम मैं रिपीट कर दूँ एक बार, हाँ तो ये बोला ना, रिपीट कर दो मैम. मैम रिपीट कर दो. हाँ रिपीट करती हूँ, ठीक है. चल, मैंने बोला कि मेरा क्या है, दो दूसरा पेज ही ले लेती हूँ मैं, ठीक है. मैंने बोला कि मेरा फॉर्मल चार्ज होता क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि ये डिफरेंस होता है. हाँ बोलो कौन है, यस मीनाक्षी, है ये मीनाक्षी, मैम बोल. मैम कुछ नहीं,
इट्स ओके ठीक है. तो मेरा फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जितने भी मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन जो उसने दे दिए हैं, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर में. तो वो क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है. एक्चुअल जो शेप होती है वो क्या होती है, जब हम फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है. अब मेरा फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कैसे, कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस में मेरे जितने लोन पेयर है, टोटल लोन पेयर कितने बन रहे हैं, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं. लोन पेयर काउंट मत करो, लोन पेयर का मतलब ही क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया, ठीक है, माइनस में हाफ ऑफ जितने वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है, चाहे सेंट्रल एटम के साथ प्लस मिस टोटल जो बॉन्ड बना के बैठे हैं, सेंट्रल एटम और साइड एटम सब सब मिला के जो बैठे हैं, ठीक है. तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया था किसका, SO4 2-, ठीक है. अब मैंने क्या बोला कि सल्फर के आउटर मोस्ट में मेरे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते कि नहीं होते, O4 है, तो ऑक्सीजन जानते हैं कि डबल बॉन्ड फॉर्म करता है भाई. चलो इस ऑक्सीजन ने तो अपना क्या क्या ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है. यहाँ पर क्या था, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 थे, उसको 2 चाहिए थे. मैंने क्या बोला था, सेंट्रल एटम पे 8 या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो चलो भाई इसके पास है, इसने अपना ऑक्टेट भी पूरा कर लिया और क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा मिल गए, मिल गए कि नहीं मिले, ठीक है. तो अब O4 है, O2 तो हो गया. अब मेरा एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है. अब हम जानते हैं ये क्या है, ये मेरा बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी ये क्या है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये जो बॉन्ड कौन सा है, कि जो मेरे पास 2- था, अब मीन 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, वो किसने लिए हैं मालूम, हमने क्या, मैंने क्या बोला, इन्होंने अब तो ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसने भी, तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, ये लेगा, ठीक है, ये लेगा. तो ये क्या है, सिंगल, क्योंकि इसके तो 6 है, तो पूरा करने के लिए 1 और 7 और 1 8 बॉन्ड पूरा कर लेगा, 7 और 1 8, ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए डबल चाहिए, डबल उससे हो नहीं रहे, तो क्यों ना सिंगल सिंगल वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया जाए. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से क्या होगा, सल्फर का भी ऑक्सीजन का भी काम हो जाएगा, तो जो नेगेटिव है इस पर आ जाएगा और इस पर आ जाएगा, मीन्स जो उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है. अब ये सब चीज तो तुम इसमें तो निकालोगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे, तुम बिना कैलकुलेट करे जैसे अभी बता सकते हो. अभी मैंने बोला कि SO4 2- है, तो ये जो 2- चार्ज है ये किस पर जाएगा, सल्फर पे या ऑक्सीजन पे, आप बोलोगे अरे ऑक्सीजन पे जाएंगे, सिंपल आपसे यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि कहाँ पर जाएगा, ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, बस ये पूछा जाएगा कि ये चार्ज किस पर कितना जाएगा, तो वो 2- है, वो बट जाएगा, ठीक है, क्या होगा, बट जाएगा. पहले बताओ अब समझ आया कि नहीं, समझ आया यस ना, ठीक है. तो यस ये मेरा क्या था, फॉर्मल चार्ज, क्या है बच्चे, ये मेरा फॉर्मल चार्ज. अच्छा चलो एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, एग्जांपल है मेरा CO3 2-, CO3 2-. अब बताओ ये जो 2- है वो किस पर जाएंगे, चलो मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ. कार्बन है, कार्बन के मेरे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते ही कि नहीं होते, एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, तो अब ये चार्ज है वो किस पर जाएगा, बताइए, ये 2- है वो किस पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ लगेगा, ये शर्षते का बताइए कहां पर लगेगा, पायल मेरा 2- चार्ज कहां पर जाएगा इससे, मीनाक्षी सुनिधि, अरे यार सिंपल सी चीज है, मैंने बोला 2- है, अब सेंट्रल एटम पे तो ये चार्ज जाने से रहा, नेगेटिव नेगेटिव, 2- बना कैसे, 2- से तो 2- बना, तो
तो मैंने क्या बोला, एक नेगेटिव इस पे चला जाएगा, नेगेटिव ये, तो मीन्स इसका चार्ज क्या है, -1, इसका भी -1, दैट्स इट। तो आप लोग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तो बता दोगे। बोलो हाँ कि ना। अब मैं बोलू क्या है, लाइक मेरे पास है NO2-, ओनली NO2-। अब ये सिंगल नेगेटिव किसके ऊपर जाएगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन, सुनिधि यस, सुनिधि बताइए। सुनिधि क्या हुआ, सो गए क्या, कोई है क्लास में कि नहीं है, तो यस मैम, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे भैया। अनुराधा जी मैं बोल रही हूँ NO2-, तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा। ऑक्सीजन पर आपने हाँ तो फिर बोलने में क्या जा रहा है यार, नाइट्रोजन और पूछा था तो मैम, है। आपने और बच्चों से पूछा था। अहो वो नहीं बता रहे तो तुम रेज हैंड करके बोल देते यार अनुराधा, क्या है यार, ओके मैम, कोई नहीं बोल रहा है तो तुम बोल दो, एटलीस्ट लगे तो सही कोई है। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं ऑक्सीजन मेरा डबल बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है ना, तो ये बन गया ऑक्सीजन, ये बन गया भाई, चलो इसने तो अपना पूरा कर लिया ऑक्सीजन। अब एक और ऑक्सीजन रह गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज भी है तो उसको भी करना पड़ेगा, तो हम क्यों ना इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा के इसका क्या है, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, उसने बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ इस तरीके से, तो इसका क्या हो जाएगा, -1। तो तुम इसे कैलकुलेट करोगे, इस बेटर क्या करो, इसको वो ट्रिक याद कर लो जो मैंने अभी बताया, याद क्या करना, समझने वाली बात है, ठीक है हाँ कि ना, ठीक है। यस मैम, अब आता है मेरा डाइपोल मूवमेंट, क्या आता है मेरा डाइपोल मूवमेंट, तो व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल मूवमेंट, किसी को पता हो तो क्या होता है मेरा डाइपोल मूवमेंट, कौन समझाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल मूवमेंट, यस अनुराधा कैन यू टेल मी डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। जिसमें चार्ज जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस ऑफ होता है उसको हम सेपरेशन। मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा डायपोल मूवमेंट का वेरी गुड। मतलब तो होता है, हमारा डायपोल, ये बंद कर दो, हाँ, तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जब हम क्या होता है, हाँ, हमारे दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, चार्ज का सेपरेशन कर देते हैं, ठीक है, लाइक सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है, किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में चार्ज का सेपरेशन कर देते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारा कोवलेंट बॉन्ड दो होता है, दो तरीके से बनता है, एक तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक मेरा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवलेंट होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, सिमिलर एलिमेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, है ना, ये क्या होता है नॉन पोलर। और पोलर क्या होता है, जैसे मेरा हाइड्रोजन फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन एंड आयोडीन हो गया, ये पोलर होता है। अब हमें पता है जब दो दो एलिमेंट हमारे कंबाइन हुए हैं तो लाइक उन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ चार्ज होगा, जिसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से, है ना तो मेरा क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या होता है, सेम चार्ज होता है, लाइक क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना वो, अब ये दोनों ही यस सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनका क्या होगा, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को कोई सेपरेट कर ही नहीं सकते इसमें, तो जहां पर भी मेरा सेपरेशन चार्ज हो वहां पर न्यू, जैसे न्यू होता है मेरा डायपोल मूवमेंट, न्यू क्या होता है मेरा डायपोल मूवमेंट, तो म्यू होता है इज इक्वल्स टू 0 ऐसे केसेस में, जहां पर क्या हो लाइक सेपरेशन, चार्ज का कोई सेपरेशन ही ना हो,
तो वहां पर मेरा क्या होता है, म्यू जीरो हो जाता है। अब आते हैं पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड जैसे डिसिमिलर एलिमेंट होते हैं, जैसे मेरा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। अब हम जानते हैं कि जो एलिमेंट मेरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मेरे इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तरफ भाग जाते हैं ना, है ना। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में मेरा फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो लाइक मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, यहाँ से यहाँ भागेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ भागेंगे। ये डिफेंड करेगा, ये क्या हेड है, ये टेल है। टेल करेगा जहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेड, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरा चार्ज इधर से इधर भाग रहा है, भाग रहा है, इसका मतलब कि जो मेरा डाइपोल मूवमेंट है वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मेरी वेक्टर क्वांटिटी ही तो चेंज होती है, चेंज इन मोमेंटम, राइट। क्योंकि यस वेक्टर मैम, क्वांटिटी होती है तभी तो। अब मेरा डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मेरा जो मेरा डिफरेंस है, लाइक मेरा जो कोवलेंट बॉन्ड रहा है हाइड्रोजन फ्लोरीन में, तो वो चार्ज क्या है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज कम डिवाइड होगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये है, जैसे मेरा हाइड्रोजन 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मेरा 3, तो लाइक डिफरेंट है, लेकिन इसका चार्ज में जो सेपरेशन होगा वो होगा, लेकिन बहुत कम होगा। जिसमें आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये 2.8 होता है, ये 2.1, लाइक माइनर सा ही इसमें डिफरेंस है, लेकिन क्या होगा, है तो अलग ना, तो इसमें माइनर सा चार्ज का डिफरेंस होगा, माइनर सा चार्ज का डिफरेंस होगा, है ना, बट होगा, सेपरेशन होगा। तो कहने का मतलब है जो मेरे नॉन पोलर कंपाउंड है उसमें मेरा डायपोल मोमेंट जीरो होता है, और पोलर में मेरा डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अब मैंने बात करी कि मेरा क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मेरा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ डिस्टेंस होगा, लाइक इसका रेडियाई और इसके रेडियाई के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या हम बोलते थे, हम बॉन्ड लेंथ बोलते थे, बॉन्ड लेंथ बोलते थे, बॉन्ड लेंथ या फिर डिस्टेंस। अब इनका हाफ निकालते तो रेडियाई निकालते थे, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या है, ये डिस्टेंस है डी, ठीक है। अब दोनों के ऊपर क्या है, चार्ज लग रहे हैं, तो जो डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब हम जो इसकी यूनिट है वो होती है, मेरे किसमें नापते हैं, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो जो चार्ज होता है वो होता है ईएसयू, और डी होता है मेरा डिस्टेंस सेंटीमीटर में। तो टोटल इसकी यूनिट क्या हो गई, ईएसयू सेंटीमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी बाय भी बोलते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देंगे डी बाय। अब जो मेरा अब मैंने निकाल दिया डायपोल मूवमेंट, अब हमको कुछ कैलकुलेट, कुछ ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इतना कैलकुलेट किया था, इतना ऑब्जर्व हुआ। तो जब हम डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -10 इंटू में डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इन आंगस्ट्रोम, डिस्टेंस इन आंगस्ट्रोम, आंगस्ट्रोम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 रेज टू पावर -8 हो जाएगा। मींस मेरा क्या होगा, 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -18, सम डिस्टेंस है, सम डिस्टेंस। अभी जो 18 होता है वो डिवाई की यूनिट होती है, टोटल ही होता है डिवाई, तो इसको लिख देंगे 4.8 डी, ये है म्यू कैलकुलेटेड इंटू में डी, डिस्टेंस निकालना हो तो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं कि मेरे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो कोई चार्ज है लाइक हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब आपको न्यू डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या फॉर्मूला था इसका, बताना जरा अनुराधा। 4.8 इंटू 10 इंटू पावर -10 इंटू डी, है ना, दैट डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -10 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 रेज टू पावर -10, लेकिन डी दोबारा सेंटीमीटर में होता है, 10 रेज टू पावर -8, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक सेम, लाइक 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -18, अब -18 तो मेरी डी होती है डी बाय, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.8 डी, ये है म्यू कैलकुलेटेड, ये निकाल दिया अगर मेरा क्वेश्चन दे रखा हो तो, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि जिस डायपोल मोमेंट की सहायता से हम क्या निकालते हैं, आयोनिक कैरेक्टर, क्या निकालते हैं, परसेंटेज इन आयोनिक कैरेक्टर, वो कैसे निकालता है कि हम डायपोल में निकालेंगे ऑब्जर्व वैल्यू, डायपोल मोमेंट ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू इन टू में 100, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास एग्जाम्पल है कि मैंने ना
आयोनिक करेक्टर निकालना है। क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट करना है आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl, ठीक है, जिसमें ऑब्जर्व कैलकुल डायपोल मोमेंट दे रखा है 1.3 डी, कितना दे रखा है 1.3 डी, ठीक है, एंड एंड जो मेरी बॉन्ड लेंथ है 1.275 एंगस्ट्रॉम, तो इसका परसेंटेज आयोनिक करेक्टर कितना होगा, पहले ही बताओ कि हम पहले इसमें क्या करेंगे, हर्षितिका हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है, न्यू कैलकुलेट निकालेंगे। अब न्यू कैलकुलेट के लिए क्या था, 4.8 इंटू इंटू में 4.8 इंटू पता होगा हाँ -10 इंटू में डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना है, बॉन्ड लेंथ है तो मेरी डिस्टेंस होती है, दैट इज 1.275 एंगस्ट्रॉम है, 10^-8 कर देंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6.2 और 10^-18 दैट इज डिवाइड, ठीक है, तो मेरा न्यू कैलकुलेटेड क्या आ गया, मेरा 6.1 डिवाइड। अब मेरा लाइक ऑब्जर्व वैल्यू है 1.3, आयोनिक करेक्टर निकालने के लिए म्यू ऑब्जर्व करते हैं दैट इज 1.3, कैलकुलेटेड है 1.6 इंटू में 100, तो इसका परसेंटेज निकालो तो कितना आ जाएगा, लाइक सॉरी 6.1, तो कितना आ जाएगा, लाइक 6 × 12 ऐसे, इसको 6 ले लें और इसको 1.2 ले तो 2, तो लाइक 21% के करीब आ जाएगा, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 21%, ठीक है, ये क्या है मेरा आयोनिक करेक्टर। अब हमको मेरे को ना कुछ डायपोल मूवमेंट की ट्रिक बताती हूँ कि मेरा डायपोल मूवमेंट 0 कब होगा, ठीक है, कब होगा, जब मेरा क्या है कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट ना हो लुईस ग्रुप स्ट्रक्चर में, दूसरा सेंट्रल एटम के पास ना, सेंट्रल एटम के पास क्या हो, लाइक सिमिलर एटम हो, ठीक है, क्या है सिमिलर एटम, जैसे मेरा कार्बन है CH4, क्या है CH4, जैसे H है H H H H H, अब इसमें क्या होगा डायपोल मूवमेंट 0 कैसे होगा, एक और चीज, मेरा जब डायपोल मूवमेंट इधर जा रहा हो, क्योंकि क्या है कार्बन है हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है और यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो ऐसी डायरेक्शन में मेरा डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ये चीज आएगी बट आगे आएगी, लेकिन मेरा क्या हो अगर डायपोल मोमेंट एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो, तो इन दोनों का मीन लेते हैं, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी क्या हो अगर कोई डायपोल मोमेंट है तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे और डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, अब मेरा डायपोल मोमेंट 0 का क्या क्या है कि लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, ठीक है, और क्या हो जो सेंट्रल एटम के पास है वो सिमिलर एटम होने चाहिए, ठीक है, ये तो हो गया म्यू की 0। अब मेरा अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि लोन पेयर होंगे, ठीक है, और क्या होंगे डिससिमिलर एटम होंगे, सेंट्रल एटम के पास क्या होगा डिससिमिलर एटम्स होंगे, ठीक है, उनका क्या होगा म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि BF3, तो BF3 का स्ट्रक्चर बनाइए जरा और बताइए कि इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, BF3, अब मैं जानती हूँ बोरोन का क्या होता है, तीन होते हैं, तीन आउटर मोस्ट में होते हैं, तो ये F और ये क्या हो जाएगा F, अब मैंने क्या मैम ये बोला, हाँ इक्वल मैम इसमें जो होगा ये इक्वल टू 0 होगा। है ना 0 होगा, क्यों मैंने क्या बोला कि सिमिलर हो और क्या हो लोन पेयर ना हो, ना तो क्या है लोन पेयर और सारे के सारे एटम क्या है सिमिलर है ना, ऐसे बोलू मैं BEF2, इसमें मैम ये जो डायपोल मोमेंटम होगा उससे ग्रेटर होगा 0। BEF2 में बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, मैम डायपोल मोमेंटम इक्वल होगा 0 पे। हाँ क्योंकि BEF2 है, बेरिलियम के दो होते हैं दोनों कनेक्टेड है, नो लोन पेयर तो म्यू हो गया क्या 0, म्यू क्या हो गया इसका 0, डायपोल मोमेंट क्या हो गया 0, ठीक है, अब मैंने बोला CH4, CH4 अब बताओ मैम ये भी
डैमेज होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। हाँ म्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने क्या बोला इसके सेंट्रल एटम पे क्या है, सेंट्रल एटम पे सिमिलर है, नो लोन नो लोन पे है, तो म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा ओ एफ टू ऑक्सीजन क्लोराइड, ऑक्सीजन है, सिक्स आउटर मोस्ट में होते हैं, यस मैम। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, लोन पेयर कितना, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर प्रेजेंट है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट डजेंट मैटर कि फ्लोरीन फ्लोरीन है, बट लोन पेयर तो प्रेजेंट है ना जैसे एक्स ई एफ फोर, इसमें क्या होगा, ये इक्वल टू जीरो का नॉट इक्वल टू जीरो बेटा, एक्स ही है, जिनोन है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, अब हम तो फोर ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं ना, तो दो तो तब भी बच गए, दो लोन पेयर, क्यों CO2 मैम। का बताओ, जो डेब होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। हाँ क्योंकि कार्बन है, डबल बॉन्ड बना के ओ, डबल बॉन्ड बना के ओ, इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्यूपाई हो गए, लीनियर है, नो लोन पेयर, तो म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो, यहां तक चीजें समझ आई, ठीक है। अब मेरा क्या आ जाता है, एक एक्सेप्शनल केस आता है, क्या आता है, एक्सेप्शनल केस है कि मैंने बोला कि मेरा NH3 और NF3 क्या है, NH3 और NF, हाँ NF3, ठीक है, तो इसमें बताओ कि किसका डायपोल मूवमेंट लार्जर है और किसका कम है, ठीक है, नॉर्मली तो NF3 का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए था NH3 से, लेकिन होता नहीं है, वो क्यों नहीं होता, NH3 का ज्यादा होता है, वो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, लाइक हाइड्रोजन 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 एंड दो लोन पेयर, है ना, दो लोन ठीक है पेयर, मैम, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सेम डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हाँ क्या बोले, फिर से बोलो, होंगे वो एक सेम डायरेक्शन में होंगे एनएसजी के केस में। अरे मैं तो एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, हाँ वैसे अगर हमको, अब हमारे नाइट्रोजन में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, आउटर मोस्ट में है ना, तो मैंने क्या किया, इन दिनों को ऐसे ले लिया, ऐसे बॉन्ड ऐसे ही बनाते हैं, बॉन्ड जब बनाते हैं उसका जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव से नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अब इन तीनों का यहाँ पर जाकर, अब लोन पेयर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो डायपोल मूवमेंट ऊपर जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डायपोल मूवमेंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जब मेरा भी मैंने क्या बोला, जब मेरा डायपोल मूवमेंट ऐसे ऐसे जा रहा हो, ठीक है, ऐसे क्रॉस हो, तो इन दोनों का क्या लेते हैं, मीन, तो इनका डायपोल कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर मीन, चलो भैया इन दोनों का डायपोल चला गया इस फ्लोरीन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजन से और इसमें लोन पेयर, लोन पेयर का ज्यादा होता है तो ऊपर, अब मैंने क्या बोला, जब हमारे क्या हो डायपोल मूवमेंट ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो ना, तो डायपोल मूवमेंट क्या हो जाते हैं, क्रॉस, और वो जाता है मेरा जीरो, तो यही रीजन है कि यहाँ पर डायपोल मूवमेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी वजह से इसका म्यू क्या होता है, वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और इसका जो क्या होता है, इसका जीरो होता है, इसका क्या होता है, डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है, ये था मेरा एक्सेप्शनल केस, ठीक है। अब बात होती है मेरी कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं डायपोल मोमेंट की, तो फर्स्ट है कि जो मेरा डायपोल मोमेंट है ना, वो बताता है कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन अनुराधा, मैम मैम, जो उसमें नेगेटिव जो आयंस और जो पॉजिटिव आयंस होंगे उनके बीच में जो डिस्टॉर्शन होगी वो। डिफ्रेक्शन, और कौन बताएगा, कोई बता सकता है पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी, 50, वो होता है कि 50 यूनिट में पोलराइजेबिलिटी, देखो मैम, जब नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो कंबाइन करते हैं तो पोलराइजेशन होता है। देखो, हाँ पोलराइजेबिलिटी होती है,
इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन खींच रहा है, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, कौन अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स ईच अदर, कौन ज्यादा पोलराइज है, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो ये होती है पोलराइजेबिलिटी। अब जितना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, जितना ज्यादा क्या होगा डायपोल मूवमेंट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरी पोलराइजेबिलिटी। और मेरी पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, कि जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा पोलराइज होगा, ठीक है। अब ज्यादा पोलराइज होगा तो उसकी डायपोल मूवमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब मैंने बोला इसीलिए मेरे हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या होता है, इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है हाइड्रोजन फ्लोरीन से, हाइड्रोजन ब्रोमीन से एंड हाइड्रोजन आयोडीन से। क्यों? क्योंकि क्या है मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अभी तो बोला जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा पोलराइज है, ज्यादा पोलराइज है तो उसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, इसलिए मेरा क्या है फ्लोरीन का, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का ज्यादा है, ठीक है। अब मेरा एक और एक्सेप्शनल केस आता है इसमें, कि मैंने अभी कह दिया कि जो ज्यादा पोलराइज है वो क्या है, वो क्या है उसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है। अब मैं बात करूं लाइक CH3Cl, ठीक है, CH3F, CH3Br एंड CH3I। अब इसमें किसका हमारा डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, ऐसे केसेस में CH3Cl का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो मेरी बॉन्ड लेंथ होती है, मेरी ऊपर से नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाने पे बॉन्ड लेंथ होती है डिक्रीज, क्योंकि रेडियस पे मेरी बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। अब जब रेडियस में मेरी बॉन्ड लेंथ है, जब तक जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतना क्या होगा उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसका बॉन्ड कम स्ट्रांग होगा, ये चीज मैंने बताई थी, है ना, जिसमें ज्यादा दूरी होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। अब मेरा क्या है कि क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है किससे, कार्बन और फ्लोरीन से, ठीक है। कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है 178 और ये क्या होता है मेरा 139। इसी वजह से मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा क्या होगा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी ज्यादा मेरी डायपोल मूवमेंट होगा। तो इसी वजह से CH3Cl का क्या होता है, ज्यादा डायपोल मूवमेंट होता है CH3। सिर्फ केस में किस वजह से, क्योंकि वो कार्बन और क्लोरीन है, उसने कार्बन और क्लोरीन, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ नहीं, हाइड्रोजन के साथ तो मैं बता चुकी हूँ फ्लोरीन का ज्यादा होता है, ठीक है। अब दो और ऐसे केसेस है जिसमें डायपोल मूवमेंट हम बताते हैं। एक होता है कि मेरा जब वहां पे सिस, और एक आता है मेरा ट्रांस का स्ट्रक्चर, ठीक है। सिस मीन्स डाइक्लोरोइथेन और ट्रांस मीन्स होता है 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, सिस वाला, सिस में मेरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना के मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक अलग अलग कंपाउंड बनेंगे लेकिन सेम डायरेक्शन में, लाइक Cl एक साइड है, हाइड्रोजन एक साइड, ठीक है। अब ट्रांस में, ट्रांस के केस में क्या होगा, लाइक वो जिनके जो क्लोरीन क्लोरीन होगा वो ऑपोजिट में होंगे। अब इसका जो डायपोल मूवमेंट है सिस का वो ज्यादा होता है ट्रांस से। क्यों? रीजन है, मैंने क्या बोला क्लोरीन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, और हाइड्रोजन कार्बन में से हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन और कार्बन में से यहाँ पे जाएगा डायपोल मूवमेंट, क्लोरीन और इसमें से इधर जाएगा। मैंने क्या बोला, जब मेरा क्या जाता है इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो मेरा कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, तो एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है यहाँ पे हो जाएगा। अब ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लाइक एक ही डायरेक्शन में चला गया इसका डायपोल मूवमेंट। तो इसी वजह से क्या हो गया, इसका डायपोल मूवमेंट क्या हो गया, ज्यादा। अब इसका चेक कर लो, यहाँ पर क्लोरीन है यहाँ पे कार्बन है, ये चला गया इधर ये चला गया इधर, तो ये क्या हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल आउट हो गए। ये क्या है, ये भी इधर आ रहा है ये भी इधर आ रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो इसी वजह से इसका क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका ग्रेटर देन जीरो। तो इसीलिए म्यू सिस का डायपोल मूवमेंट सिस स्ट्रक्चर का ज्यादा होता है किससे, ट्रांस स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऐसे जब बात होती है मेरी किसकी, आइसोमर्स की, इसकी आइसोमर्स की, ऑर्थोमेटा एंड पैरा, ठीक है। तो जो मेरा क्या होता है ऑर्थो आइसोमर होते हैं, ऑर्थो मीन्स जिनके बीच में एंगल्स मेरा क्या होता है 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मेटा, मेटा जिनके बीच में मेरा क्या होता है एंगल जो होता है दैट इज 120 डिग्री,
और पैरा जिसमें मेरा एंगल होता है दैट इज, यहाँ पर होते हैं सीएल सीएल दैट इज 180 डिग्री। अब मेरा जो डायपोल मोमेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बॉन्ड एंगल के, कि जितना ज्यादा मेरा बॉन्ड एंगल होगा उतना मेरा डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसी वजह से मेरा क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है ऑर्थो का, किसका, ऑर्थो का, वो ज्यादा होता है किससे, डायपोल मोमेंट ऑफ किससे, मेटा से। ठीक है, और डायपोल मोमेंट पैरा सबसे लीस्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, सबसे ज्यादा है, जब बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे कम, क्या होगा, सबसे कम। सबसे कम ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में लाइक ऑर्थो और इनके बीच में क्या है, कोई इंटरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर क्या होते हैं लाइक मैं बोलूं कि क्लेशन होता है। ठीक है, क्लेशन क्या होता है, उसमें बहुत इंटरेक्शन इनमें कम होता है। ठीक है, नो इंटरेक्शन, तो इसी वजह से क्या हो गया, इनके बीच में 60 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो एक तरह से यूं समझ लो कि जो हमारा ऑर्थो स्ट्रक्चर होता है उसमें एंगल क्या होता है, 60 डिग्री, और एंगल कम है तो मेरा क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, तो ये था मेरा आज का लाइक चैप्टर इज फिनिश्ड विद द शॉर्ट ट्रिक्स, विद द शॉर्ट ट्रिक्स। तो मैं अब आप लोगों से पूछूं, कुछ क्वेश्चंस पूछूं, फॉर्मल था आज का ही पूछ रही हूँ, टेंशन ना लो, पूछो। अच्छा फॉर्मल चार्ज बताओ, किस किस को समझ आया और किस किस को नहीं आया, फॉर्मल चार्ज किस किस को समझ नहीं आया, मैं क्वेश्चंस पूछ लूं तो फॉर्मल चार्ज बता दोगे किस पे क्या जाएगा, बोलिए। अरे यार हाँ तो ना तो बोलो अनुराधा, यस मैम, बोलो ना, हाँ कि ना, हम पूछ लो। पक्का। मैम अभी एक बार ट्राई करना पड़ेगा। अरे नहीं मेरे को ना सिंपल ये बता दे। अच्छा अच्छा ओहो, ट्राई करने की क्या बात है, मैंने तेरे को वर्बली बोला कि जो मेरा क्या है, मेरा जो सेंट्रल एटम होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखेगा, और जो मेरे साइड के एटम्स क्या हैं वो हमेशा कौन से, नेगेटिव चार्ज रखेंगे। बस इस चीज को दिमाग में रख, अब इस चीज को दिमाग में रखेगी तो क्या आंसर्स नहीं दे पाएगी। मैं तेरे से सिंपल पूछूं, चल मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ एंड देन बस चार्ज बता दे किस पे कितना आ जाएगा। ठीक है, पता चल। अच्छा मैं पूछ रही हूँ, जैसे है, अच्छा मैंने शो तो कर ही नहीं रखा, वर्बली पूछ रही हूँ, चल बता। मेरे पास है HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पर बस तो यही तो पूछ रही हूँ, बस और क्या पूछ रही हूँ। ठीक है, हाँ यस मैम। यही मैं जानना चाह रही हूँ। कैसे भाग रहे हैं बच्चे, शैतान कहीं के, यूँ नहीं है, कुछ पूछ लो तो इन लोगों से शांति से बैठ के, और मैम से पूछ पूछ लिए जाएं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, पर मजा आला। चलो ये बताओ, H2SO4, H2SO4 नेगेटिव, मैम इसमें भी ऑक्सीजन पर ही आएगा। हाँ है ना, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो किस पे जाएगा मेरा, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं हाइड्रोजन पे तो नेगेटिव होता भी नहीं है। ठीक यस मैम। है, और मेरा सल्फर है, सल्फर तो मेरा क्या होगा, सेंट्रल एटम है होगा, अब सेंट्रल एटम है तो ये तो पॉजिटिव चार्ज ही लेगा, नेगेटिव चार्ज तो ले नहीं से रहा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलती कि HSO4 2 पॉजिटिव, तब एक बार रिपीट करना। H2SO4 2 पॉजिटिव, तो मैम सल्फर वेरी गुड, सल्फर पे जाएगा है ना।
पॉजिटिव है ना, सल्फर भी जाएगा सीधा, वेरी गुड। अच्छा HNO2, HNO2 नेगेटिव, मैम ऑक्सीजन. वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, NO2 नेगेटिव, अभी तो बताया था एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा तो नेगेटिव किस पे जाएगा, दूसरे ऑक्सीजन पे, है ना, दूसरे ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ठीक है, यस मैम. ऐसे बोलू HNO3 नेगेटिव, ऑक्सीजन. वेरी गुड, अगेन ऑक्सीजन पे जाएगा, है ना, अगेन ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, हम फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, अब समझ आया, वर्बली करने की जरूरत तो नहीं पड़ी। ठीक मैम है, तो ये बताना चाह रही थी मैं आप लोगों को। चलिए मिलते हैं कल, ठीक है, ओके मैम. ओके बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।